प्रातः क्लास चल रहा था, ग्यारह मई 1964 सोमवार, दसवें पेज के मध्य में बात चल रही थी तुम गाते रहते हो और संग तोड़ एक संग जोड़। अभी तुम कहेंगे कर्म बंधन है तो फिर वो तोड़ो ना। देखो शुरुआत में सिंध में तोड़ करके दिखाया ना, और आदि में तोड़ा है तो आदि सो अंत में भी तोड़ देना चाहिए ना। फट से एकदम कर्म बंधन तोड़ दें। ये हमारे मित्र संबंधी हमको मुरली नहीं सुनने देते हैं, हमको मारते हैं, इसलिए हम भाग आए। बागी तो कोई स्त्री थोड़ी ही होगी, आत्मा बागी, परमपिता परमात्मा के पास ऐसी आत्मिक स्थिति बने तो फिर बाल बच्चे सब बाहर के भाग करके वहां चले आए। तो देखो ये बहादुरी है ना। तो ये जो कर्म बंधन है वो कच्चे हैं, तुमको दिखलाऊंगा कि बड़े बड़े घर की भी कोई निकली थी और ऐसी कोई विरले निकलती हैं। ऐसे भी नहीं है, कोई ऐसी निकलेगी जो पदमपति घराने की होगी, वो भी पति को एकदम कहेगी तुम मुझे नहीं छोड़ते हो परंतु मुझे तो जाना ही है। तो जाओ, ये तुम्हारा घर बार धंधा दोरी तुम सब संभालो, मैं जाकर के बर्तन मांजूंगी। मेरे पास बहुत से साहूकारों की होती हैं जो कहती हैं बाबा मुझे बहुत तंग करता है, ये करता है वो करता है। मैं बोला याद रख लेना तुम वहां बहुत सुख में हो, अगर तुम यहां आवेंगी तो बर्तन मलवाऊंगा, झाड़ू लगवाऊंगा। इतना हम तुम्हारी परीक्षा लूंगा, और आगे भी तो परीक्षा दी थी ना। मम्मा ने बर्तन मांजे हैं, और मम्मा ने कपड़ों पर इस्त्री की है, मम्मा ने बैठ करके गोबर के छेने बनाए हैं, कौन सी मम्मा ने,
ओम राधे, मम्मा की बात बताई। और मम्मा की भी तो मम्मा कोई होगी, उसे भी आत्माभिमानी बन करके आना पड़े। और फिर उसकी भी कोई परदादी होगी, मम्मा की भी मम्मा और उसकी भी अम्मा परदादी। तो उसने भी क्या किया होगा? उसने भी बर्तन मांजे होंगे, झाड़ू लगाया होगा, पोछा लगाया होगा। अभी गोबर का छेना बनाया तो कोई पैसे नहीं थे क्या? कराची में तो उनके घरों में ढेर के ढेर पैसे पड़े हुए थे। दस दस बारह बारह लाख तिजोरी में पड़े रहते थे। कहाँ, कहाँ की बात बताई? कराची। आज में तो सब हद का था। क्या नाम दिया? कराची। अभी तो ऐसे बड़े बड़े घरानों की आवेंगी कि उनकी चिंग कराए देंगी, तो बेहद में नाम क्या पड़ेगा? है कराची। अभी हम बैंक में कभी नहीं रखते थे, तो भी फिर ऐसे बच्चे के बासन मांजा, फलाना किया। रात को टिप टाप होकर अपने बसों में और मोटरों में घूमने चले जाते थे, परंतु वो परीक्षा जरूर लेते थे। ये बाप का काम था ना, ये बाप परीक्षा लेते थे। अरे भाई तुम भी करो, जैसा कर्म तुम करेंगे तुमको देख करके और करेंगे, तो तुम्हारा देह अभिमान टूटेगा, तो तुम्हारे पीछे आने वालों का भी देह अभिमान टूट जाएगा। बाबा के पास बड़ी बड़ी चिट्ठियां आती हैं, तो बाबा लिख देते हैं कि याद रख लेना, यहां आएंगी तो मैं पहले पहले बर्तन मंजवाऊंगा, कंडे पथवाऊंगा, झाड़ू लगवाऊंगा। फिर तुमको याद पड़ेगा और तुम्हारी बीमारी आदि सभी जागेगी। तुमको अपने बच्चे याद पड़ेंगे, और पति तो बड़े जोर से याद पड़ेगा। कब? जब यज्ञ में आने के बाद बर्तन मंजवाए जाएंगे, झाड़ू पोछा लगवाया जाएगा। लौकिक में तो कभी किया नहीं, नौकरियां नौकरानियों से काम लेते थे, तो पति बड़े जोर से याद पड़ेगा। तो ये खबरदार रहना और पीछे वहां रोना नहीं।
कहाँ है आने वाली जो फाइनल परीक्षाएं हैं, जब अंत में ऐसा होगा तो रोना नहीं। अगर आंख से एक आंसू गिराया तो वापस कर दूंगा, फिर मैं तुम्हें रखूंगा नहीं। इतना तो कड़ा लिखता हूं। ऐसी ऐसी चिट्ठी जब कोई की छोड़ने की आती है तो मैं साफ लिख देता हूं, बिल्कुल नहीं रोना। साजन की सजनी, ये साजन शिव बाबा जो तुमको बैठ करके स्वर की महारानी बनाते हैं और तुम फिर यहां रोती हो, तुमको लज्जा नहीं आती है? लैनत है तुम्हारे रोने के ऊपर, तो फिर बाबा ऐसे भी कह देते हैं, अरे रोना किस काम का, संगम युग मौजों का युग है या रोने का युग है? हैं? मौजों का युग है। क्यों? अगर आत्माभिमानी होंगे तो ईश्वरीय सेवा समझ करके सब काम बड़े मौज से करेंगे। तो रोना है किस काम का? और दुनिया में रोती कौन है? विधवाएं रोती हैं या अहवातियां रोती हैं? विधवाएं माना विडो, विडो रोती है ना? अभी तुम बनी हो बेहद के साजन की सजनी, वो तुमको श्रृंगार करा करके महारानी बनाते हैं और फिर तुम ये रोना रो करके दिखाती हो। देवताएं भले रो सकते हैं, लक्ष्मी नारायण रो सकते हैं, तुम नहीं रो सकती हो, क्योंकि अभी तुम सजनी बनी हो एक साजन की। वो देवताएं कोई साजन की सजनियां थोड़े ही बनती हैं। अच्छा, आज देरी हो गई है, है? 11:564 की वाणी का 11वां पेज चल रहा है ना? देरी हो गई है, टोली लेकर के आओ। बूढ़िया बूढ़िया बिचारी इन बातों को उठाए नहीं सकेंगी, तो बोलते हैं अच्छी सजनी रोती क्यों है? मैं इनका साजन मर गया हूं क्या? इनका और तो कोई दुनिया में नहीं है ना, सिर्फ एक ही साजन है। मात पिता भी है, भ्राता भाई सब कुछ एक ही है, फिर ये मुट्ठी रोती क्यों है? क्या इनके मात पिता, दादा, पति ये सब मर गए?
कोई परवरिश करने वाला नहीं रहा क्या? क्या कारण है इनकी रोने का? क्या कारण है? हैं? अरे रोने का कोई कारण तो होगा, क्या कारण है? कारण है देह अभिमान में आ गई है, भूल गई है। अरे स्त्री पति को थोड़े ही भूलती है, स्त्री कभी पति को भूलेगी क्या? कभी नहीं भूलेगी। तो ये सजनियां साजन को क्यों भूलती हैं? क्या माया इतनी बड़ी जबरदस्त है? आसमान में जाते हो और फिर ऐसे गिरेंगे तो फिर एकदम पुर्जा पुर्जा गया काम से एकदम। अच्छा हाँ, टोली बांधो बांटो, शाबाश, तुमको बांटना आता है। ठहरो ठहरो, तुमने बांटना सीखा ही नहीं। इसलिए बोला पहले बाप फिर टीचर, नहीं तो सर्वव्यापी के ज्ञान से क्या होता है? अगर भगत हैं, कहते हैं हमारे भी भगवान हैं, तो भगवान का योग तो लग ही नहीं सकेगा भक्तों को। हैं? क्यों नहीं लग सकेगा? हैं? अरे योग किसके साथ लगता है? योग माने याद, याद किसकी आती है? हैं? याद तब आती है जब कोई संबंध जुड़ा हुआ हो, चाहे माँ बेटे का संबंध हो, साजन सजनी का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो। तो बोला भक्तों का योग किसके साथ है? कहेंगे भगवान के साथ। तो क्या भक्त जान करके पहचान करके भगवान को याद करते हैं? है? जब जानते ही नहीं पहचानते ही नहीं तो संबंध कैसे जोड़ेंगे? संबंध तो प्रैक्टिकल में होता है ना? है? संबंध ही नहीं जुड़ा हुआ है, संबंध है साकार का साकार से जोड़ा जाता है ना? कि साकार और निराकार का संबंध होता है। निराकार को तो इंद्रियां ही नहीं होती हैं। संबंध तब कहा जाता है जब सम माने समान, बंधन माने बंधन, समान बंधन में हो। सम माने संपूर्ण, बंध माने बंधन, संपूर्ण बंधन हो। किसके साथ है? कोई तो संबंध होना चाहिए।
और भक्तों का संबंध होता है, भक्तों का भगवान के साथ संबंध क्यों नहीं होता है? हैं? वो भगवान को पहचानते ही नहीं। यानी जबकि बच्चे होंगे और बाप से वर्षा लेंगे तभी तो बुद्धि योग जुटेगा। बाप का बच्चा ही नहीं बना हुआ है, बाप को पहचाना ही नहीं है और बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि बेहद का बाप है और बेहद के बाप की बेहद की सुख शांति की तारब्ध है, बेहद का वर्षा है एक जन्म का है, अनेक जन्मों का वर्षा है, आधा कल्प का तो पक्का वर्षा है। तो बच्चे जन्म लेकर के बाप से योग लगाएंगे, भक्त जन्म लेते हैं क्या? बाप से जन्म लेते हैं? नहीं, जो बच्चे होंगे बाप के उनके दिल में बाबा बाबा आएगा और कहेगा मेरा बाबा, तब तो वर्षा मिलेगा। मेरेपन का बुद्धि में बैठना चाहिए ना, ये तो बाप है और हम बच्चे हैं, हम सब ब्रदर्स हैं और वो बाप है, है? हम सब क्या है? ब्रदर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं है, अरे भाई बहन नहीं है। तो बहनों को वर्षा मिलता है क्या बाप से? बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है या बच्चियों को भी मिलता है? बच्चों को मिलता है। तो हम क्या हैं? हम बाप के रुद्रमाला के बच्चे, हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार स्त्रीत्व के संस्कार नहीं है, आधीनता के संस्कार नहीं है, काय के संस्कार हैं, हैं? स्वतंत्र राजा के संस्कार हैं। राजा कैसा होता है? हैं? परतंत्र होता है, हैं? परतंत्र को राजा कहेंगे? नहीं, राजा तो स्वतंत्र होता है और तुम सब बच्चे मेरे राजा बच्चे हो, माना स्वतंत्र विचारों वाले हो तो तुम बच्चे हो, आपस में ब्रदर्स हो और वो हमारा बाप है। अच्छा, वैश्य में जाकर के ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, वो क्या कहेंगे? उनका बाप है? है? अरे कोई बाप है या नहीं है? हैं? कहेंगे वो तो 69 में शरीर छोड़ गया ब्रह्मा बाप, फिर वर्षा किससे लेंगी? हैं? और ब्रह्मा माने बड़ी माँ, उससे वर्षा मिलता है क्या? तो वो तो जानते ही नहीं है कि बाप कौन है, जानते हैं? हैं? विकेश जानते हैं कि हमारा बाप कौन है? नहीं जानते हैं। तो सुख शांति का वर्षा उनको इस जन्म में मिलेगा क्या? मिलेगा? हैं? नहीं मिल सकता। हाँ, ब्रह्मा की कोई बच्चियां होंगी, जो बच्चियां चंद्रवंशी होंगी, चंद्रमा की औलाद, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा,
और अपन को सूर्यवंश में कन्वर्ट कर देंगी। सूर्यवंश में समर्पित हो जावेंगी तो बच्चियां भी क्या बन जावेंगी, चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन जावेंगी। लेकिन सूर्यवंशी बनने के बावजूद भी उनको राजाई का वर्षा मिलेगा क्या, या रानी बनेंगी? हैं? रानी बनेंगी। और बाप क्या देते हैं? जन्म जन्मांतर का राजाई का वर्षा देते हैं। तो देखो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। वो हमारा बाप है, बाप रचयिता है स्वर्ग का है? एक ही बाप है, जन्म तो 84 होते हैं, 84 जन्म के कितने बाप, 84 बाप। लेकिन उन 84 बापों में से कोई भी बाप ऐसा नहीं होता है जो स्वर्ग का वर्षा देवे। क्यों नहीं होता है, है? मान लो सतयुग में पहले जन्म में कृष्ण वाली आत्मा है और वो बड़ा होकर के नारायण टाइटल लेती है और बच्चा पैदा करती है, तो वो स्वर्ग का वर्षा नहीं देता अपने बच्चों को? अरे हाँ, 16 कला संपूर्ण का बच्चा जो है, बच्चा पैदा होगा वो, ये प्रश्न नहीं है कि 16 कला संपूर्ण का कि 14 संपूर्ण का, प्रश्न है स्वर्ग का वर्षा देगा या नहीं देगा? हैं? देगा। क्यों नहीं देगा? बच्चा है तो बच्चे को स्वर्ग का वर्षा सेकंड नारायण नहीं बनेगा। प्रश्न स्वर्ग का वर्षा लेने का है, जन्म कम होने ज्यादा होने का नहीं है। स्वर्ग का वर्षा मिलेगा उसे या नहीं मिलेगा? हैं? संपूर्ण स्वर्ग का नहीं। हैं? संपूर्ण स्वर्ग का नहीं। ये अभी ये नहीं कहा कि संपूर्ण या अधूरा, बात ये बताई कि स्वर्ग का वर्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, लेकिन अपने बाप से मिलता है या संगम युग में उसने वर्षा लिया था? है सतयुग में जितने भी नारायण टाइटलधारी होंगे वो अपने बाप से स्वर्ग का वर्षा नहीं लेंगे। उन्होंने वर्षा कहाँ से लिया? संगम युग में बेहद के बाप से लिया। मना 84 जन्मों में चाहे वो स्वर्ग के जन्म हो और चाहे नरक के जन्म हो, एक भी ऐसा बाप नहीं है। महान से महान धर्म पिताएं क्यों न हुए हो, जैसे क्राइस्ट है 200 करोड़ मनुष्यों का बाप, 200 करोड़ मनुष्य उसे अपना धर्म पिता मानते हैं, लेकिन वो भी स्वर्ग का वर्षा नहीं देता है। ये तो एक ही बाप है जो स्वर्ग का वर्षा देता है, कारण क्या है? और वो बाप क्यों नहीं देते, ये एक ही बाप क्यों देता है स्वर्ग का वर्षा? हैं? और जितने भी बाप हैं वो कभी न कभी स्वस्थिति से नीचे उतर करके परिस्थितियों में फंस जाते हैं, परचिंतन में फंस जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं।
स्वस्थिति में कोई भी नहीं रहता लगातार। और ये एक बाप कैसा है? हैं? है, ये बाप ही एक ऐसा है जो सदैव स्वचिंतन में रहता है। अब चिंतन करने वाला बाप और असोचता बाप दो अलग अलग हैं, ये एक ही है। चिंतन मनन चिंतन मंथन करने वाला बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो भी बेहद का है, और आत्माओं का जो बाप है वो असोचता है। उसको सोचने की दरकार है? है कि त्रिकालदर्शी है, वो तो त्रिकालदर्शी है, उसे कभी भी सोचने मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है या नहीं है? सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, परंतु जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी जब तक सदा काल की स्वचिंतन की स्टेज में नहीं टिक जाता तब तक स्वर्ग का वर्षा देने के काबिल नहीं है। बाप आत्माओं का बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो आप समान कोई न कोई को तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? बनाते हैं। तो जिसको आप समान बनाते हैं उसका नाम शिव बाप के साथ जोड़ा जाता है, और मनुष्य सृष्टि में कोई भी आत्मा ऐसा बाप का पार्ट बजाने वाली नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। 33 करोड़ों देवताओं में भी कोई नहीं है, और 500 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में भी कोई ऐसा बाप नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि वो भी जब पुरुषार्थ पूरा होता है तो बाप समान स्वस्थिति की स्टेज को सदा के लिए धारण कर लेता है। तो देखो, एक बाप ही है, एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्तित्व है जो स्वर्ग का रचयिता है, उससे स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। किससे है? किससे स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए? उससे, इससे नहीं। अरे उससे कह के दूर क्यों कर दिया है? हाँ, ये वाणी 64 की है। जिस समय ये वाणी चलाई जा रही थी उस समय भी स्वस्थिति में नहीं कोई टिका हुआ था। सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता प्रजापिता वो भी नहीं टिका हुआ था, और अभी है? अभी अभी टिका हुआ है तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाना चाहिए, है? मिलना चाहिए कि नहीं? तो स्वर्ग का वर्षा मिल गया कि नरक में पाते हैं? है? कभी अंधेरे में बैठ जाते हैं, कभी उजाले में बैठ जाते हैं, और स्वर्ग में सदा ही उजेला उजेला होगा या अंधेरा भी हो जाएगा? है? बाप स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है, तो हम नरक में क्यों बैठे हैं?
कि स्वर्ग में बैठे हैं, हैं? कहाँ बैठे हैं? नरक में बैठे हैं ना। तो इससे साबित होता है कि अभी वो पर्सनालिटी वाला बाप हमारे सामने मौजूद नहीं है जो सदैव स्वस्थिति में रहे, जो सदैव स्वस्थिति में टिका हुआ होगा उसको काल खाएगा, है? काल खाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं, मैं हूं कालों का काल, महाकाल। कैसी भी कोई परिस्थिति आ जाए लेकिन उसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा महाकाल बन करके, लेकिन उसको कोई काल के गाल में जाते हुए देखेगा नहीं? देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उस समय जो बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप व्यक्तित्व है वो आत्मिक स्थिति में सदा काल के लिए टिका हुआ होगा। क्या सदा काल माने? कैसा भी काल आ जाए, जमीन फट जाए, बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए कड़ी ती कड़ी, लेकिन उसको काल खाएगा नहीं खाएगा? ऐसा क्यों होगा? सदैव कैसी स्थिति होगी? आत्मिक स्थिति होगी। आत्मिक स्थिति नहीं होती है तो कोई ऐसी बड़ी भारी परिस्थिति आ जाती है तो आत्मिक स्थिति गुम होने के कारण देह अभिमान में डर पैदा हो जाता है, और जब भय पैदा हो जाता है तो माया बाप की याद से छुड़ा देती है, और जब बाप की याद ही नहीं रहेगी तो साबित हो जाएगा कि देह बहन है। तो बाप कहते हैं, स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है तो स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए, यानी स्वर्ग की बादशाही का मतलब क्या हुआ? यानी जीवन रहते रहते क्या ये जिंदगी बनी रहे, जीवन जीवात्मा बनी रहे और जीवात्मा को बाप से वर्षा मिल जाए सुख का, कोई भी प्रकार का दुख कैसी भी परिस्थिति में अनुभव में ना आवे, सदा मौज में रहे, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। ऐसी जीवन मुक्ति का निश्चय तुम बच्चों को है या उन ब्राह्मणों को है? वो क्या समझते हैं? हैं? वो समझते हैं कि इसी जीवन में हम जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे? हैं? नहीं समझते। तो तुमको जीवन मुक्ति जरूर मिलनी चाहिए क्योंकि बाप है पतित पावन। देखो अभी तो सारी दुनिया पतित है, हैं? और दुनिया में हम भी हैं या नहीं है? हैं? तो हम भी क्या हुए? हम भी पतित। सतयुग दुनिया होती है पावन, सतयुग में कोई भी पतित नहीं हो सकता, तो वो सतयुग कहां आवेगा? जब कृष्ण बच्चा जन्म लेगा तब ही आवेगा या उससे भी पहले? हैं? उससे भी पहले, क्योंकि संगम युग है तो संगम युग का नाम ही है दो युगों का संगम।
कलयुग का और सतयुग का संगम। तो संबत एक 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 कभी तो शुरू होगा संगम में, वो संगम में शुरू होगा संबत एक एक एक, या जब कृष्ण बच्चा पैदा होगा तब होगा है, अभी होगा संगम में ही होगा, जहां कोई भी पतित नहीं होगा। उस दुनिया में जिनको स्वर्ग का वर्षा मिला होगा, जो जीवन मुक्ति का इसी जन्म में इसी शरीर से अनुभव करेंगे, तो ये सिर्फ बाप की ही महिमा है क्या? क्या महिमा? कि जो देहधारी बाप होते हैं वो धन का वर्षा देंगे, मिल्कियत का वर्षा देंगे, मल्टी मिलियनायर बना देंगे, लेकिन सदा सुख शांति का वर्षा कोई नहीं दे सकते। और ये बेहद का बाप है जो तुमको इसी जन्म में इसी शरीर से ये स्वर्ग की बादशाही का जीवन मुक्ति का अर्थात जीवन में रहते रहते दुख अनुभव न हो, सिर्फ सुख ही अनुभव हो, ऐसा वर्षा देता है। ये एक बाप की महिमा है, इसी जीवन में जीवन मुक्ति दे देना बाप की बहुतों ने ग्लानी की है। क्या उसे एक बाप की ग्लानी कितनों ने की है? थोड़ों ने क्या ग्लानी की है? यह दुनिया में बहुतों ने ग्लानी की है। क्या ग्लानी की है? है कि बाप सर्वव्यापी माने सब स्वर्ग का वर्षा देने वाले हैं। जब सर्वव्यापी बाप है तो सारे ही स्वर्ग का वर्षा देने वाले हैं क्या? कि खुद ही दुखी हुए पड़े हैं, हैं? जो खुद ही दुखी हुए पड़े हो वो दूसरों को स्वर्ग का वर्षा कैसे दे सकते हैं? तुमको अभी बाप की महिमा करनी चाहिए। बाप खुद आकर के कहते हैं कि तुमने हमारी बहुत ग्लानी की है, है? कहां कहां ग्लानी की? कब ग्लानी की? अरे तुमने, दुनिया वालों की तो बात छोड़ दो, इन्होंने ब्रह्मा की बात छोड़ दो, इन्हें ब्रह्मा को जो फॉलो करते हैं उन्हें बीके की बात छोड़ दो, लेकिन बहुत ग्लानी किसने की है? हैं? तुमने किसको कहा जाता है? तुमने है जो सन्मुख बैठने वाले हैं उनके लिए बोला, तुमने बहुत ग्लानी की है। कब है? कलयुग दापर में। उसकी शूटिंग कब होती है? है? उसकी शूटिंग कभी होती है या नहीं होती है? रिहर्सल होती है। कब? अभी संगम में। अभी ऐसी ग्लानी की है? है? अभी तो नहीं की है, अभी तक तो ऐसी ग्लानी बहुत ग्लानी तुमने नहीं की है, फिर कब करेंगे? आगे करेंगे। क्यों? आगे तो ज्ञान लेते लेते और मजबूत हो जाएंगे या कच्चे पड़ जाएंगे? हैं? क्या होगा? कच्चे पड़ जाएंगे। हैं? पक्के हो जाएंगे। अरे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पक्के हो जाएंगे या कच्चे हो जाएंगे? हैं?
पढ़ाई पढ़ते पढ़ते पक्के हो जाएंगे ग्लानी करने में हैं? बाबा कहते तुम महिमा करो और तुम जवाब देते कि हम पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ग्लानी करने में पक्के हो जाएंगे, ऐसा जवाब देना चाहिए है? किस बात में पक्के हो जाएंगे? महिमा करने में पक्के हो जाएंगे। फिर माया की फाइनल परीक्षा आने वाली है, उस समय की बात है जब दुनिया में बाप के साथ क्या हुआ है, दुनिया ने बाप की गिलानी की या नहीं की? अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में बाप की गिलानी हुई या नहीं हुई है? हुई। तो जब ऐसी बाप की गिलानी होती है तो दुनिया वाले बाप को एक ठिकाने टिकने देते हैं, है? टिकने देते हैं, टिकने दिया है? नहीं टिकने दिया, अभी टिकने दे रहे हैं, है? अरे अरे नहीं टिकने दे रहे, अरे अभी यहाँ कैसे कहेंगे नहीं टिकने दे रहे हैं? माना जो गायन है पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, माना ऐसा कोई भी घर नहीं मिला पांडवों को जहां वो निश्चिंत होकर के अपना जीवन यापन कर सके, पुरुषार्थ कर सके। ऐसी स्थिति अभी बच्चों की नहीं आई है, क्या ऐसी स्थिति पहले बाप की आती है कि बच्चों की आती है? पहले बाप की आती है ताकि बच्चे समझ सकें, क्या क्या समझ सकें कि जो बाप के जीवन में घटित होता है ब्राह्मणों की दुनिया में वो सब नंबरवार हमारे लिए भी घटित होने वाला है, क्या? जैसे बाप की परीक्षा माया लेती है ऐसे हम बच्चों की भी माया भयंकर परीक्षा लेगी, ऐसी परीक्षा लेगी जो घर वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले, जिले वाले, चारों तरफ की एरिया वाले अखबारों में ग्लानी पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, टीवी में देख देख करके निश्चय और विश्वास को हिलाए देंगे, क्या? अभी तो हम कहते हैं बाप आया हुआ है, फिर क्या होगा है? दुनिया वाले जब चारों तरफ से घृणा करेंगे, जैसे कलकत्ते में एक बार हुआ, रविंद्र भाई को झूठे केस में ब्रह्मा कुमारियों ने पकड़वा दिया, जूता कंपनी का एक मुखिया आता था, ब्रह्मा कुमार था, उसने 108 लोगों के ऊपर
केस डाल दिया। जब वो किडनैप किया गया उनमें रविंद्र भाई भी पकड़े गए, वहां के अखबार वालों ने महीने दो महीने तक, टीवी वालों ने, रेडियो वालों ने ऐसा शोरगुल मचाया गांव गांव शहर शहर में कि जो भी ज्ञान में चलने वाले थे, जिन्होंने अपनी बच्चियां बहनें सरेंडर की हुई थी, वो आने लगे हमारी बच्चियां वापस करो, हम नहीं रखेंगे। और दो महीने तक आश्रम में आना जाना ही बंद कर दिया। एकदम खाली, थोड़ी सी सरेंडर्ड बहनों के सिवाय। तो बताओ, ये तो छोटी सी परिस्थिति थी, और फाइनल में क्या होगा है? उस समय ऐसा तूफान बंगाल में आया कि जो गांव वाले मुखिया थे, उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि एडवांस में चलने वालों को घर में रहना मुश्किल हो गया। बोलने लगे इन्हें कि घर में आग लगा दो, या तो अपनी बच्चियों को वापस लाओ, नहीं तो तुम हमारे गांव में से निकल जाओ। तो उदाहरण तो आया, झूठी बात तो है नहीं। तो क्या वो सारी परीक्षाएं बच्चों के ऊपर आने वाली नहीं है क्या? है, आने वाली है। भले परीक्षाएं सदाकाल की नहीं होती है, सदाकाल की होती है नहीं, थोड़े समय की परीक्षा होगी। कौन कितने मजबूत हैं, पक्के हैं, कौन कितने कच्चे हैं, कौन कितने लंबे समय तक बाप की ग्लानी में जुट जाते हैं, दुनिया वालों का साथ देते हैं, और कौन कितने महिमा में लगे रहते हैं और दुनिया वालों का मुकाबला करते हैं। माला के नंबर बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए हैं? ऐसे ही बन जाएंगे हैं? जैसे रसगुल्ला हाथ में लिया और मुंह में डाला, पुरुषार्थ हो गया, ऐसे होगा क्या है? माला बनेगी या जो भी छोटी बड़ी मालाएं बनेंगी, तो दुनिया वालों के सामने प्रूफ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो वो पूछेंगे इनका इतना ऊंचा नंबर माला में कैसे आ गया, हमारा क्यों नहीं? तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हर एक के जीवन में, सब ब्राह्मणों के जीवन में माया की जब आखिरी परीक्षा होगी, जिस परीक्षा में सांप को फेल करने के लिए नंबरवार माया ने किससे हाथ मिलाया हुआ है, हैं? प्रकृति से, बाप की बड़ी बच्ची है, कुदरत, प्रकृति, जगदम्बा,
सारे जगत की अंबा। क्या ये इतने इतने बड़े बड़े महान हिस्ट्री में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं हुए, इनकी भी अंबा या नहीं है? उनकी भी 500 करोड़ की अंबा। वो प्रकृति इतनी पावरफुल है कि जब तामसी रूप धारण करती है तो सारी पृथ्वी में भयंकर भयंकर भूकंप आते हैं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने में आ रही हैं, जिनमें सैकड़ों करोड़ लोग बसे हुए हैं, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मल्टी स्टोरेज की, वो ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। तो दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होगा या नहीं होगा? है, वो तो विनाश होगा स्थूल में। पहले स्थूल में काम होता है या सूक्ष्म में होता है? है, तो ये है ब्राह्मणों की दुनिया। इस ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्राह्मणों के संगठन हैं, वो सब हिल पड़ेंगे। संगठन माने किला कहो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग कहो, संगठन रूपी महल कहो, ये सारे धराशायी कर देगी महाकाली। ये माया और ये जगदम्बा जो तामसी रूप धारण करती है, महाकाली बन जाती है, सबको हिलाएगी। फिर क्या होगा? है, सदैव परीक्षा चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? है, अरे परीक्षा सदा काल की होती है क्या? परीक्षा पूरी होगी कि नहीं होगी? होगी। जब परीक्षा पूरी होगी तो नंबर वार जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो नंबर माला के बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? जैसे जैसे बाप के नजदीक आते जावेंगे वैसे वैसे नंबर बनते जावेंगे। ओम शांति।